हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड सेकंड में मैथ्स में यूनिट 12 में वर्कबुक में पार्ट 5, डिटेल्स ऑफ द आइटम सोल्ड इन ए कैंटीन। इधर कैंटीन है, उधर आइटम की डिटेल्स दी है एंड इट्स प्राइस इज गिवन। तो वो उसकी प्राइस भी लिखी है। Write the answers to the following questions on the basis of it. तो आपको ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये आइटम्स है और ये प्राइस है। आइटम्स में डोसा की 24 प्राइस है, इडली की 17 है, उत्पम की 28 है, दही वड़ा की 23 है, पुलाव की 15 है, सूप है उसकी प्राइस 25 है, नूडल्स की 15 है और कॉफ़ी की 8 रुपीस प्राइस है। तो प्राइस दी है, उस पर से हमें नीचे दिए गए नीचे क्वेश्चन के आंसर देने हैं गिनकर। फर्स्ट, व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ डोसा एंड इडली। तो डोसा और इडली की टोटल प्राइस कितनी होती है? तो देखो, डोसा की 24 प्राइस है प्लस 17 इडली की प्राइस है। तो टोटल यानी कि हमें इधर प्लस करना है 7 प्लस 4, तो कितने हो गए? 11 का 1 और 1 इधर लिखेंगे, 2, 3 और 4, तो 41 हो गई। अब सेकंड, वॉट इज द टोटल प्राइस ऑफ उत्पम एंड दही वड़ा। उत्पमा और दही वड़ा की टोटल प्राइस कितनी हो है? तो देखो, उत्पमा की प्राइस 28 है प्लस 23 दही वड़ा की है। तो टोटल प्राइस गिनते हैं, 8 प्लस 3 11, 11 का 1 इधर लिखेंगे और इधर 1 लिखेंगे, 2 प्लस 1 प्लस 2, तो 5, तो 51 टोटल प्राइस हो गई। अब तीसरा, व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ पुलाव एंड सूप। पुलाव और सूप का टोटल प्राइस कितनी है? तो पुलाव की प्राइस है 15 रुपीज प्लस सूप की 25 है। तो देखो, इसका प्लस करते हैं, 5 प्लस 5 10 हुए, तो 10 का 0 इधर रखेंगे और 1 है वो इधर लिखेंगे। तो इधर 10 का 0 इधर, 1 इधर लिखेंगे। अब 1 प्लस 1 प्लस 2, तो कितने हुए? 4, तो 40 रुपीस दोनों के मिला के टोटल हो गए। अब आगे, व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ नूडल्स एंड कॉफ़ी। अब नूडल्स और कॉफ़ी की टोटल प्राइस कितनी होती है? तो देखो, नूडल्स की 15 रुपीज़ है प्लस कॉफ़ी का 8 रुपीज़ है। तो इसका टोटल करते हैं, 8 प्लस 5 कितने हुए? 13, 13 का 3 इधर लिखेंगे और 1 इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 और 2, तो 23 रुपीज़ टोटल दोनों की मिला के हो गई। अब आगे, व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ डोसा एंड सूप। अब डोसा और सूप की टोटल प्राइस लिखनी है। तो डोसा की 24 है प्लस सूप की 25 रुपीज़ है। तो चलो, 4 प्लस 5 कितने? 9, 2 प्लस 2 4, तो 49 रुपीज़ टोटल हो गई। 6, व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ उत्पम एंड पुलाव। उत्पम और पुलाव की दोनों की मिला के कितनी प्राइस होगी वो लिखना है। तो उत्पम की 28 है प्लस 15 रुपीज़ पुलाव की प्राइस है। तो गिनते हैं, 8 प्लस 5 कितने हो गए? तो इधर 13 का 3 इधर आएगा और 1 इधर लिखेंगे, 2 प्लस 1 प्लस 1, तो 4, तो 43 रुपीस हो गई। 7, हाउ मच मोर इज द प्राइज ऑफ डोसा
एज कंपेयर्ड टू दही वड़ा। डोसा और दही वड़ा के कंपेयर में किसकी प्राइस ज़्यादा है? तो चलो देखें, 24 रुपीज़ डोसा की है और माइनस 23 रुपीज़ दही वड़ा की है, तो दोनों में से ज़्यादा प्राइस डोसा की है। तो कितनी ज़्यादा प्राइस है तो गिनते हैं। 4 में से 3 निकालेंगे तो 1, 2 में से 2 जाएगा तो 0, तो 1 रुपीज़ ज़्यादा प्राइस डोसा की है। 8, हाउ मच लेस इज द प्राइस ऑफ सूप एज कंपेयर्ड टू उत्पम? तो इसमें सूप और उत्पम के कंपेयर में किसकी प्राइस कम है, कितनी है वो लिखना है। तो 28 रुपीज़ उत्पम की है और 25 सूप की है, तो उसमें कम सूप की है। तो चलो इधर गिनते हैं, 8 माइनस 5 तो 3, 2 माइनस 2 0, तो 3 रुपीज़ सूप की प्राइस कम है उत्पम से। 9, हाउ मच मोर इज द प्राइस ऑफ दही वड़ा एज कंपेयर्ड टू कॉफ़ी? दही वड़ा और कॉफ़ी के कंपेयर में किसकी ज़्यादा प्राइस है? तो दही वड़ा की 23 और कॉफ़ी की 8 रुपीज़ है, तो अब गिनते हैं। चलो तो 3 में से 8 जाएगा 9, तो 3 को इधर से हेल्प लेनी होगी और इधर हो जाएगा 1 और इधर 13, तो 13 में से 8 निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 5, और ये 1 इधर आ जाएगा, तो 15 रुपीज़ प्राइज दही वड़ा की कॉफ़ी से ज़्यादा है। 10, हाउ मच लेस इज द प्राइस ऑफ नूडल्स एज कंपेयर्ड टू इडली? तो नूडल्स से इडली की कितनी ज़्यादा प्राइस और लेस यानी कि नूडल्स की इडली से कितनी लेस प्राइस है? तो चलो गिनते हैं, 17 माइनस 15, तो 7 में से 5 निकालेंगे तो इधर 2 और इधर 1 में से 1 निकाले तो 0, तो 2 रुपीज़ प्राइस कम है यानी कि नूडल्स 2 रुपीज़ कम है नूडल्स में। अब एक कोष्टक दिया है, देखो इधर 5 फ्रेंड्स है, वो बीड्स यानी कि मोती खरीदते हैं, अलग अलग वो कोष्टक दिया है। तो देखो नमित ने 14 बीट्स, उषा ने 12, नमन ने 27 बीट्स खरीदे है, नरेश ने 35 बीट्स खरीदे है और नरेन ने 38 बीट्स खरीदे है। उसमें 10 बीट्स मिला के, देखो 10 बीट्स मिला के 1/10 हो जाते हैं, और इधर लेफ्ट ओवर बीट्स यानी कि लेफ्ट यानी कि उससे बाहर कितने बीट्स है तो इधर लिखना है। तो चलो ये नमित के 14 है तो 1 इधर और 4 इधर, चलो उषा के 12 है तो उषा के 1/10 और 2 बीट्स, नमन के 27 तो 2/10 7 बीट्स, नरेश के 35 तो 3/10 और 5 बीट्स, नरेन के 38 तो 3/10 और 8 वंस। तो इस पर से अब हमें ये गिनना है। एग्जांपल देखो, हाउ मैनी बीट्स इन ऑल डू नमित एंड उषा हैव? नमित और उषा के पास दोनों के मिला के कितने बीट्स है? तो देखो नमित के पास 14 और उषा के पास 12, तो दोनों की गिनते हैं, 4 + 2 = 6, 1 + 1 = 2, तो 26 बीट्स हो गए। सेकंड, हाउ मैनी बीट्स इन ऑल डू उषा एंड नमन हैव? उषा और नमन के पास दोनों के मिला के कितने बीट्स है? तो उषा के 12 और नमन के 27 है, तो गिनते हैं,
टू प्लस सेवन नाइन, टू प्लस वन थ्री, तो 39 बीट्स टोटल हो गए। हाउ मेनी बीट्स इन ऑल डू नमन एंड नरेश, नमन और नरेश के दोनों के मिला के कितने बीट्स हुए? तो देखो नमन के 27 और नरेश के 35, तो 7 प्लस 5 12 का 2 इधर लिखेंगे और 1 इधर लिखेंगे, तो 1 2 और 3 मिला के कितने हुए? 6, तो 62 बीट्स। फॉर हाउ मेनी बीट्स इन ऑल डू नरेश एंड नरेन, दोनों के मिला के, तो नरेश के 35 और नरेन के 38 है, तो 5 प्लस 8 13 का 3 और इधर 1 लिखेंगे, 6 और ये 7, तो 73 बीट्स हुए। हाउ मेनी बीट्स इन ऑल डू नमित एंड नरे हैव, तो दोनों के मिला के कितने हैं? तो चलो 4 प्लस 8 तो कितने हो गए? 12 का 2 इधर और 1 इधर लिखेंगे, 3 प्लस 1 प्लस 1 तो 4, तो 42 बीट्स हो गए। हाउ मेनी लेस बीट्स डज उषा हैव देन नमित, तो उषा के पास नमित से कितने कम बीट्स है? तो ये गिनते हैं, तो उसमें जो ज़्यादा हो उसमें से कम है वो निकालना है। फोर में से 2 निकालेंगे, तो 2 और 1 माइनस 1 तो 0, तो 2 बीट्स नमित से उषा के कम है। सेवन, हाउ मेनी लेस बीट्स डज नमन हैव देन नरेश, तो उसमें भी नरेश से नमन के कितने कम बीट्स है? तो 5 माइनस 7, तो 5 में से 7 नहीं जाएगा, तो इधर हेल्प लेनी होगी, तो इधर 2 बचेगा और इधर हो जाएगी 15, 15 में से 7 निकालेंगे तो 8, 2 में से 2 निकालेंगे तो 0, तो 8 बीट्स नमन के कम है नमन के पास। हाउ मैनी लेस बीट्स डज नरेश हैव देन नरेन, अब इसमें भी किसके बीट्स कम है, कितने हैं वो लिखना है। तो नरेन के 38 में से 35 निकालेंगे, तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 और इधर 0, तो 3 बीट्स कम है। नाइन, हाउ मेनी मोर बीट्स डज नरेन हैव देन उषा, अब इधर किसके ज़्यादा बीट्स है? 38 माइनस 12, अब 8 में से 2 निकालेंगे तो इधर 6 और 3 में से 1 निकाले 2, तो 27 बीट्स नरेन के पास ज़्यादा है उषा से। हाउ मेनी मोर बीट्स डज नरेश हैव देन नमित, तो इसमें नरेश के नमित से कितने ज़्यादा बीट्स है, कितने मोती है? तो 5 माइनस 4 तो 1, 3 माइनस 1 तो 2, तो 21 बीट्स नरेश के ज़्यादा है। और बच्चों आगे का लेटेस्ट डू होमवर्क आपको खुद करने कर देना है। थैंक यू।